प्रदेश की सड़कें खस्ता हाल है, जबकि मुख्यमंत्री खुद हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। हिमाचल में आम जनता समस्याओं से जूझ रही है और प्रदेश सरकार पूरी तरह से दिल्ली चुनाव में व्यस्त है। ये आरोप एबीवीपी के जिला संयोजक अभी राणा ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार को प्रदेश की चिंता नहीं है, प्रदेश की ढीली शिक्षा व्यवस्था सहित सेंट्रल यूनिवर्सिटी के निर्माण और सड़कों की खस्ता हालत के विरोध में एबीवीपी 7 फरवरी से आंदोलन शुरू करने जा रही है, ताकि सरकार को प्रदेश की स्थिति से अवगत करवाया जा सके। हम देख रहे हैं कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जो वो खुद हेलीकॉप्टर में यहाँ वहाँ घूम के वो दिल्ली के चुनावों में व्यस्त होकर प्रदेश के तरफ ध्यान न देते हुए हमारे इन जितने भी मुद्दे हैं प्रदेश के उन्हें बिल्कुल ही इग्नोरेंस कर रही है। तो जो हमारे मुद्दे हैं जो इस तरह से रहेंगे, जो प्रदेश की जितनी भी शिक्षा व्यवस्था को जो ढीली पड़ी हुई है, इस तरह से चरमरा गई है, उन मुद्दों को लेकर अभी विद्यार्थी परिषद आंदोलन करने वाली है। चाहे वो सड़कों की खस्ता हाल है, जो चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जल्द से जल्द निर्माण है, चाहे वो कृषि विश्वविद्यालय की बढ़ाई गई फीस है, चाहे वो ICDL की बढ़ाई गई फीस है। हमारे जो जी अब आंदोलन रहेंगे वो इस तरह से रहेंगे, 7 फरवरी को विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश भर के सभी कॉलेज सभी महाविद्यालयों में अपने प्रिंसिपल जी के माध्यम से सुरेश भारद्वाज जो माननीय शिक्षा मुख्यमंत्री है उन्हें ज्ञापन देगी। 8 फरवरी को जो जितने विद्यार्थी परिषद की इकाइयाँ हैं वहाँ पर धरना प्रदर्शन व आंदोलन रहेगा। 9 फरवरी को जो विद्यार्थी परिषद है वो एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल रखेगी और उसके बाद विद्यार्थी परिषद अपने जिला मुख्यालयों में हर जगह DC ऑफिस के बाहर DC के माध्यम से CM को ज्ञापन देगी, ताकि वो जल्द से जल्द विद्यार्थी परिषद की आंदोलनों को पूरा करे, क्योंकि प्रदेश की सरकार इस वक्त पूरे ही अपने गहमे में चली गई है, पूरे ही दिल्ली के चुनावों में व्यस्त व मस्त हो चुकी है। वो प्रदेश को बिल्कुल ही उन्होंने एक तरह से अलग ही करके रख दिया है। वो हमारे उन्हें ज्ञान होना चाहिए, वो ज्ञात होना चाहिए कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ना कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। तो हम इन आंदोलन के द्वारा उन्हें चिताएंगे, वो बताएंगे कि विद्यार्थी परिषद किस तरह से अपने आंदोलन को उग्र बना के अपनी मांगों को पूरा करने में समर्थ है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, हमीरपुर।